पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने फीफा विश्व कप के ग्रुप ई के अपने मुकाबले में रविवार देर रात स्विट्जरलैंड से 1-1 से ड्रॉ खेला। रोस्टोव एरिना में खेले गए मुकाबले में ब्राजील के लिए फिलर को जिन्होंने गोल किया, जबकि स्विट्जरलैंड के लिए स्टीवन सुवेर ने बराबरी का गोल दाग दिया। मैच में गोल करने का पहला मौका ब्राजील को बारहवें मिनट में मिला। स्टार फॉरवर्ड नेमार ने बॉक्स के बाहर से पॉलिनो को पास दिया, लेकिन वो गेंद तक नहीं पहुंच पाया और स्विट्जरलैंड के गोलकीपर यान सुवेर ने ब्राजील को शुरुआती बढ़त नहीं लेने दी। इसके 8 मिनट बाद स्पेनिश क्लब एफसी बार्सिलोना से खेलने वाले मिडफील्डर कोटिन्हो ने बॉक्स के बाहर बाएं छोर से शानदार गोल दागकर ब्राजील को 1-0 से आगे करा दिया। कोटिन्हो के शानदार गोल से ब्राजील के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा और टीम अपने खेल में अधिक आक्रामकता लेकर आई। मैच के 31वें मिनट में नेमार को गलत तरीके से गिराने के कारण स्विट्जरलैंड के कप्तान स्टीवन लिक्सट्राइनर को पीला कार्ड दिखा दिया गया, यानी येलो कार्ड। पूरे मैच के दौरान विपक्षी टीम के खिलाड़ियों ने नेमार पर मजबूत टैकल किए और उन्हें परेशानी में डाले रखा। दूसरे हाफ की शुरुआत ब्राजील के लिए अच्छी नहीं रही। 50वें मिनट में स्विट्जरलैंड को कॉर्नर मिला और जिदान शाकिरी की किक पर बेहतरीन हेडर लगाते हुए सुवेर ने अपनी टीम को बराबरी दिला दी। जुबेर के गोल के बाद स्विट्जरलैंड ने ब्राजील पर दबाव बनाया और कोच टीटे को 60वें मिनट में मिडफील्डर कैसिमिरो की जगह इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी से खेलने वाले फर्नांडिनो को मैदान पर लाना पड़ा। इस बदलाव के बाद ब्राजील के खिलाड़ी विपक्षी टीम के बॉक्स के पास जगह बनाने में काम रहे। मैच के 69वें मिनट में कोटिन्हो को बॉक्स अंदर मैच का अपना दूसरा गोल करने का बेहतरीन मौका मिला, लेकिन वो गेंद को गोल में नहीं डाल पाए, जिसके बाद स्विट्जरलैंड और ब्राजील का मैच 1-1 से बराबरी पर रुका। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।